नाम है? अभिजीत कुमार। और इस रास्ते से दिक्कत हो रही है जाने में? दिक्कत तो हो रही है, दिख तो रहा है। किसी काम से निकले थे? हाँ। किस काम से? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जाना था, लेकिन इस रास्ते से अभी नहीं जा रहा? नहीं, इस रास्ते से नहीं जा सकते। आपको सुबह में ये जानकारी नहीं थी कि इस रास्ते से जाना? जानकारी तो है, फिर भी कोशिश की आपने? हाँ। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, किसानों के समर्थन में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, किसान जो है वो कृषि कानून के खिलाफ लगातार एक साल हो गए हैं धरने पर बैठी हुई है, आपको क्या लगता है किसकी गलती? सरकार मान रही है ना किसान? सरकार की। यहाँ पे तो दिखने में लग रहा है ना। आपको जाना किधर था? मेरे को जाना था ये बेली रोड। हाँ, लेकिन डाक बंगला पर प्रदर्शन हो रहा है। जी जी। तो आपको अभी दिक्कत होगी यहाँ से जाने में? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होगी, थोड़ा सा मूव करेंगे यहाँ से। अच्छा। नो टेंशन, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, रास्ते बहुत हैं। आप ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है? अभी इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा। कृषि कानून के खिलाफ जो किसान धरने पर बैठे हुए दिल्ली में, उनके समर्थन में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता महागठबंधन के प्रदर्शन? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसके बारे में समझना होगा, बहुत दिन से चल रहा है। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय हुआ। यहाँ पर सड़क पर डाक बंगला पर प्रदर्शन हो रहा है, आपको इधर इसी रास्ते जाना? हाँ हाँ, इसी रास्ते। अब जाना है ऑफिस, अब हमको मुड़ के जाना पड़ेगा, इससे टाइम लैप्स हो रहा है, और क्या, यही है। इस प्रदर्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी? नहीं नहीं, हमको तो नहीं जानकारी है। आप लोगों को बाहर कहीं जाना है? जी। प्रदर्शन की वजह से दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रदर्शन फेल है, 5 किसान से कोई समर्थन नहीं है इसका, ये फालतू के लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं ये लोग। अच्छा। इसे क्या लगता है कि ये जो तमाम गठबंधन के महागठबंधन के कार्यकर्ता है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, ये कारगर नहीं है? कारगर नहीं है, बिल्कुल कारगर नहीं है। ये लोग जो ये किसान रोड पर हैं, तो जो खेत में काम कर रहे हैं वो लोग कौन है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उपेंद्र सिंह फतेहपुर। पटना में आप रहते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं? मेडिकल दिखाने आए थे, गया जिला के हम हैं। अस्पताल दिखाने आए थे? जी। तो दिक्कत आ रही है, इससे दिक्कत आ रही है, कैसे जाएंगे अब आप? सड़क बंद है, इसलिए जानना चाह रहे हैं। हाँ, वापस जाएंगे, ये अभी 5 मिनट में फिर हट जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये बस थोड़ी देर के लिए? बस थोड़ी देर के लिए है ये। दिक्कत तो बहुत हो रही है, क्योंकि सब रोड जाम कर रखा है, और हम लोगों को मीटिंग्स में भी जाना है तो बहुत घूमना पड़ रहा है, और हमें मुजफ्फरपुर से हमारे और भी स्टाफ आ रहे हैं, तो रोड जाम है ना, तो मैं स्टाफ पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजीम। परिवार के साथ आप आए? नहीं, सब स्टाफ है हमारा। अच्छा, सारे स्टाफ के साथ आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और कहीं और जाने का? जी जी, मीटिंग है हमारा यहाँ पर। इस वजह से कितनी देर से आपको इंतजार करना पड़ा? अरे हम लोग, हमारा तो आधा घंटा इंतजार हमने वेट किया है, हमारे स्टाफ एक फंसी हुई थी मुजफ्फरपुर से, 2 घंटा वो जाम में फंसी हुई थी, लेडीज स्टाफ, बहुत मुश्किल से उनको हम लोग लेकर आए वहाँ से, होटल छोड़ा है अभी। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ एक बस जानकारी चाहिए थी, आपको क्या लगता है कि इन सबके पीछे कौन जिम्मेदार है? किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बात मानने को तैयार नहीं है, तमाम पार्टी के जो नेता है वो किसानों के समर्थन में सड़क पर आ जा रहे हैं बार बार, क्या लग रहा है आम आदमी इसमें पिस रहा है? मैम, प्रॉब्लम तो हो रही है ना आम आदमी को, क्योंकि सफ़र तो वो भी कर रहा है ना, क्योंकि जाम लगा है, कोई जिसको जहाँ जाना पहुँच नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसको मसला जल्दी से सॉल्व होना चाहिए? होना चाहिए ना मैम, बात करनी चाहिए आपस में सरकार को और किसानों को, और जल्दी सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं ना, सब ड्यूटी करते हैं रोज, सब डेली बेसिस पे काम करने वाले आदमी हैं, तो परेशानी में है ना। थैंक यू। इस तरीके के तमाम लोग हैं, जैसे रिक्शे पर एक बच्ची को मैं देख रही हूँ। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? खुशबू भारती। खुशबू भारती। खुशबू, आपको क्या है? दूसरी तरफ जाना है? हमें स्टेशन जाना है। ट्रेन है आपकी? यस। तो अभी आप इस रास्ते से तो नहीं जा पाएंगे? क्या चीज? इस रास्ते से तो नहीं जा पाएंगे? नहीं, नहीं जा पाएंगे। दिक्कत हो रही है? हाँ जरूर। कार्यकर्ता है, सड़क पर है, रोक रहे हैं बार बार, और आप रिक्शे से नहीं जा? ये लोग, हाँ वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब जाना तो होगा ही, चाहे जैसे जाए, दिक्कत से जाए, जैसे जाए, जाना तो पड़ेगा ही ना। 12:40 की? 12:06 हो रहा है। तो खुशबू के पास मात्र आधे घंटे का वक्त है,
ठीक दूसरी तरफ अगर मैं ये रिक्शा अगर जा सकता, रिक्शा वाले भैया जो है अगर इनको ले जा सकते थे तो इनकी ट्रेन आज ये पकड़ सकती थी, लेकिन अब चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, लिहाजा खुशबू को स्टेशन तक जाने में दिक्कत आ रही है। इस रास्ते से ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है पटना का डाक बंगला चौराहा, और इस चौराहे पर तमाम जो लोग हैं जिनको एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना है उन सभी को दिक्कत आ रही है। अच्छा दादा, दादा एक सेकेंड जरा कैमरा दिखाइए, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आप कुरियर लेकर जा रहे हैं? हाँ, ब्लू डार्ट से। आपको भी दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत तो हो रहा है, दिक्कत तो हो रहा है, लेट भी हो रहा है क्योंकि ऑफिस सबका कुरियर है, सरकारी भी है प्राइवेट भी है, सबको लेट हो रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसानों के समर्थन में कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि किसानों की बात सरकार नहीं मान रही है? सरकार तो मजदूर किसी का बातें नहीं मानता है, सरकार तो अपना मनमानी करता है। आज से 10 साल पहले 12,000 कमाते थे, अब 8,500 पे कमा रहे हैं, घर बार नहीं चल रहा। आपका भी गुस्सा जो है वो दो, अभी आप यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे? अभी आप यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे? नहीं, अभी देखते हैं कहीं से कोई गली रास्ता कुछ मिलेगा तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो वेतन कट जाता है ना। सरकार कहाँ सुनता है किसी का, सरकार तो अपना मनमानी कर रहा है। हाँ सबको दिक्कत है। ये रिक्शे पर कुरियर है, यहाँ पर पीछे में भी एक बैग है बड़ा सा, उसमें भी कुरियर का सामान है। जाहिर सी बात है सुबह है, सोमवार का वक्त है, सबको आने जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब ये साइकिल से चूंकि जा नहीं सकते इसलिए यहाँ से अब मोड़ करके अब ये दूसरे रास्ते से जाएंगे, तो इस तरीके की दिक्कत तमाम लोगों को हो रही है। यहाँ पर एक और बाइक सवार है, क्या नाम है भाई? गाड़ी का चाबी बंद कर दिया। यहाँ पर सड़क पर जो प्रदर्शन हो रहा है, अच्छा ये चूंकि पुलिसमैन है इसलिए इन लोगों को जो है वो यहाँ से भी फिलहाल जो है वो दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके के तमाम लोग हैं जिनको इस रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाना है, उन सभी को फिलहाल दिक्कत हो रही है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ दिश्री ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।